गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे ना। आप लोगों ने दशहरा भी अच्छे से मनाया, ओके। और अब मैं हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? हमने चैप्टर टू रीडिंग कर रहे थे ना। रीडिंग हो गया था आपका द फेस्टिवल ऑफ डॉग्स, ये ओके। ये आपका द फेस्टिवल ऑफ डॉग्स, यहाँ तक हम पहुंचे थे। इसका हो गया था क्वेश्चन आंसर। इधर आप लोग कंप्लीट द वर्ड्स ये भी कर लिए थे और कंप्लीट द बॉक्सेस ये भी हो गया था। अब हम लोग आ जाएंगे नीचे पेज नंबर 19 में हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर। ये देखिए इसमें आपका रीड द फॉलोइंग सेंटेंस यहाँ पर है ना, ओके। चैप्टर टू का है द फेस्टिवल ऑफ डॉग्स, इसमें है पेज आपका है 19। ये आपका है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, ओके। ये आपका रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, सेंटेंस मतलब होता है आपका वाक्य। तो क्या है, वेयर डू यू लीव, ठीक है। ये आपका क्या बोल रहा है, वेयर डू यू लीव, आप कहाँ रहते हो, है ना। तो इसका ये आपका क्या हो गया, आई लीव इन चंडीगढ़, मैं कहाँ रहता हूँ, चंडीगढ़ में रहता हूँ। और इसमें क्या है, जो आपका फर्स्ट वाक्य फर्स्ट सेंटेंस, ये जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है ये पूरा, ये आपका है, दैट इज क्या है, ये आस्क समथिंग मतलब कह रहा है, बोल रहा है ना, पूछ रहा है। तो ये आपको क्या हुआ, ये फर्स्ट वाक्य जो सेंटेंस है ये आपका क्या हुआ, क्वेश्चन, ठीक है। सेंटेंस इज ए क्वेश्चन, ये फर्स्ट सेंटेंस जो आपका ये आपका क्वेश्चन हुआ। और उसके बाद है आई लीव इन चंडीगढ़। सेकेंड वाक सेकेंड सेंटेंस इज वो आपका क्या है, ये दैट इज से समथिंग, ये पूछ रहा है और ये बोल रहा है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका है स्टेटमेंट, ये आपका स्टेटमेंट हो गया, ये सेकेंड हो गया आपका स्टेटमेंट। उसके बाद है इसी तरह आपको क्या करना है, आपको पीछे दिया हुआ है सेंटेंस है उसको आपको कौन सा क्वेश्चन है और कौन सा आपका स्टेटमेंट है ना, इसमें आपको ये करना है। पेज नंबर आप 14 में आ जाएंगे, पहला था पेज नंबर 13 और आप पेज नंबर 14 में आ जाएंगे। इसमें क्या है, वी यूज ए फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट। ये जो आपका स्टेटमेंट है इसमें आपको लास्ट में क्या करना पड़ेगा, फुल स्टॉप लगाना है, ओके। बट वी यूज ए क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ क्वेश्चन, जहां पर क्वेश्चन होता है वहां पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक। उसी तरह आपका ये देखिए ये वाला एक्सरसाइज जो है आपका दिख रहा है, ये आपका इसी टाइप से ही आपको करना है, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। तो सबसे पहला वाला है ए सोनू गोस टू स्कूल, सोनू क्या कर रहा है, स्कूल सोनू स्कूल जा रहा है, ठीक है। सोनू स्कूल जा रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा, है ना। तो इसमें आपको क्या लगाना है, फुल स्टॉप। बी है आपका डू यू गो टू स्कूल, है ना, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, जाओगे, सॉरी क्या तुम स्कूल जाओगे, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डू यू गो टू स्कूल, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो ये इसमें क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन। उसी तरह सी है आपका आई रीड द बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो ये आई रीड द बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक। उसी तरह से आपका डी, व्हाट इज योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा, तो ये क्या है हमारा, क्वेश्चन है ना, हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
शिक्षक है, मतलब ये माई फादर इज टीचर, तो ये बोल रहा है, तो ये क्या हुआ आपका स्टेटमेंट है। तो जहाँ स्टेटमेंट है होगा, स्टेटमेंट है वो आपका क्या हो गया, तो वहां पर आपका फुल स्टॉप लगेगा। उसी तरह से एफ है आपका यू सिंग ए सॉन्ग, तुम गाना गाते हो, पूछा जा रहा है ना कि तुम गाना गाते हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट के लिए हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। तो आज के लिए आप लोगों का इतना ही, ओके। और उसके बाद हम लोग फिर नीचे का नीचे आएंगे, बी कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द एक्शन वर्ड्स फ्रॉम द बैलून। जो बैलून में आपका वर्ड दिया हुआ है, यही आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज के लिए इतना। आप लोग इसको देखिए, तीन मैंने कर दिया है ए बी सी, और तीन मैं आप लोग को फ्लैश कार्ड में भेज दूंगी, ओके। आप लोग इसको देखिए, देख के इसको समझिए, समझ के इसको अपनी अपनी इंग्लिश की फेयर कॉपी में